नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। बच्चों जरा बता दीजिए, ऑडियो वीडियो बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए ऑडियो वीडियो बता। डॉक्टर ऋचा सिंह, अंशुल पचौरी, अभिषेक सिंह, कुमकुम दुबे, भूपेंद्र जी, अंजलि गुप्ता, आशीष जी, गरिमा सिंह, अंजू कुमारी, आनंद, संतोष जी, ऑल क्लियर सर। देखिए ये आपका बहुत दिनों के बाद ये चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ, बहुत मुझे याद ही नहीं है, और इधर आपके प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही थी, ब्रह्मास्त्र बैच भी, ये टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआईसी बहुत दिनों के बाद मैंने लिखा है। बायोलॉजी, इसमें बॉटनी वाला पोर्शन, फंजाई एंड लाइकेन है, प्रश्नों की फुहार जो है बहुत दिनों से नहीं हो रही थी, लेकिन आज भी प्रश्नों की फुहार है, कल भी प्रश्नों की फुहार है। अब थोड़ा सा फुहार को भी कंटिन्यू करेंगे। और ये देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो सवाल हैं वो आपका टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी आश्रम पद्धति और आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, इसके अलावा पीजीटी बॉटनी बिहार, इस सारे के लिए ये अप्लीकेबल है, उनके लिए मतलब फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, चलिए ठीक है पचौरी जी, ठीक है। पहले लाइक करिए, पहले वीडियो को लाइक करिए पचौरी जी, 90 लोग जुड़े हैं, 58 लाइक अभी है। तो पहले जूली पाल, राजपाल, गरिमा सिंह हो गई, कृष्णकांत मड़ी, चलिए स्वाति यादव जी, खतीजा अहमद, खतीजा शहजाद, चलिए तो जल्दी से वो लाइक करिए। ठीक है, वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, क्योंकि जितने लोग जुड़े हैं वो अभी बहुत दूरी है लाइक करने वालों की, बहुत कम लोग लाइक किए हैं। बिल्कुल, बारिश की तर्ज पर प्रश्नों की फुहार, उसी से मुझे याद आया बेटा, उसी से मुझे याद आया। और सारे सवाल अच्छे हैं, मैक्सिमम आपको आ भी रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो मेरे बच्चे हैं जो मुझसे बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं लगातार, वो चूंकि एग्जाम नहीं हो रहे हैं, एग्जाम होता तो नौकरी पा जाते, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आपको तमाम चीजें आती नजर आएंगी इसमें। चलिए कर दिए हैं लाइक, बढ़िया। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो ये सवाल की तरफ देख। हाँ, अगर किसी को यहाँ एडमिशन लेना हो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS में, या टारगेट बैच में टीजीटी पीजीटी जीआईसी या असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो वो एडमिशन ले सकता है। ये आपका दो नंबर दिए गए हैं, 9628959237, 8318489291, इस पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें, एकेडमी की तरह से आपको जवाब जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चलिए बारिश भी हो रही है सर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये पहला सवाल है, देखिए ये पहला सवाल आपका है, हेटोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड बाई, हेटोथैलिज्म को किसने डिस्कवर्ड किया, एलेक्जोपोलस ने कि केसी मेहता ने कि ब्लैक एस्ली ने कि लुईस पाश्चर। चूंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, मैं आपके जवाब को भी देखता हूं कि आप क्या जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन का देखे जवाब आ गया, सी जवाब आ गया डॉक्टर ऋचा सिंह का, रावेंद्र का, चलिए यतीन्द्र साक्य का, खुशबू का, तो ये सबके सही जवाब आ रहे हैं, सबके सही जवाब आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ब्लैक एस्ली, ये बिल्कुल सही जवाब है, ब्लैक एस्ली बिल्कुल सही जवाब है, ब्लैक एस्ली ये बिल्कुल सही जवाब था। हेटोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड बाई एलेक्जोपोलस, केसी मेहता, ब्लैक एस्ली, लुईस पाश्चर, तो क्या हो गया, ब्लैक एस्ली हो गया, सबके जवाब सही आ रहे हैं,
सबके जवाब सही आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफ्लाटॉक्सिन वाज डिस्कवर्ड इन, किसमें डिस्कवर किया गया था? पेनिसिलियम में कि राइजोपस की, एस्परजिलस की, एगेरिकस। अफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का टॉक्सिन है जो किससे डिस्कवर किया था, फंगस का नाम आपको बताना है। अफ्लाटॉक्सिन फंगस का नाम आपको बताना है। ये देखिए ये बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, जो लोग भी जवाब दे रहे हैं जिनके भी जवाब आ रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है एस्परजिलस। एस्परजिलस ये बिल्कुल सही जवाब है, एस्परजिलस। एस्परजिलस बिल्कुल सही जवाब है, एस्परजिलस। चलिए जो भी बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं वो लाइक कर दें बेटा जी, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें। जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं हमारे वो प्लीज लाइक कर दें, वो प्लीज बेटा लाइक करें, ठीक है? बिल्कुल। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंजीसाइड, इनमें से एक कौन फंजीसाइड है? निम्नलिखित में से कौन एक फंजीसाइड है? बोर्डियाक्स मिक्सचर, डीडीटी, 2,4-D, नन ऑफ डीज। क्वेश्चन नंबर थ्री का जवाब दें। चलिए जो लोग कर दिए बेटा उनको करने की जरूरत है, जो नहीं किए हैं कर दें, क्योंकि बहुत अंतर है जो लोग जुड़े हुए हैं और जो लाइक, उसमें बहुत अंतर है बेटा, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, देखिए जवाब 3 का क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ये बिल्कुल सही जवाब जा रहा है, बोर्डियाक्स मिक्सचर ये फंजीसाइड है। ये क्या है? फंजीसाइड है। तो बिल्कुल सही जवाब है ये। चलिए मिलार्डेट, बिल्कुल मिलार्डेट ने डिस्कवर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साइंटिस्ट फेमस फॉर हिज रिसर्चेज ऑन द वीट प्रॉब्लम्स इन इंडिया, वीट प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जो वीट रस्ट, वीट प्रॉब्लम इन इंडिया, वीट रस्ट प्रॉब्लम से जो जुड़ा हुआ साइंटिस्ट, उसका आपको नाम बताना है, उसका आपको नाम बताना है। केसी मेहता है कि सुब्रमणियम, ये देखिए सुब्रमणियम है, सुब्रमणियम कि एमओपी आयंगर कि आपका डेसी केचेरी, ये 4 नाम दिए गए हैं। और सबके जवाब क्या आ रहे हैं? सबके जवाब आ रहे हैं केसी मेहता। इनको रस्ट हंटर कहा जाता है, किट आखेटक, एसोसिएटेड विथ वीट रस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, रस्ट हंटर, किट आखेटक इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किट आखेटक। आगरा कॉलेज, आगरा के प्रोफेसर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है पचौरी जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा। चलिए केसी मेहता, ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द फंगस विदाउट माइसिलियम, एक फंगस जो विदाउट माइसिलियम है उसका नाम बताना है। पक्सिनिया, फाइटोप्थोरा, राइजोपस की सैक्रोमाइसेस, कौन सा है ए फंगस विदाउट माइसिलियम, बिना माइसिलियम के जो फंगस है बताइए। कल भी एक लेके आएंगे, कल भी एक लेके आएंगे प्रश्नों की फुहार। चलिए तो जवाब क्या हो जाएगा इसका? सैक्रोमाइसेस, क्योंकि ये कैसा फंगस होता है? यूनिसेलुलर फंगस, ये यूनिसेलुलर फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस। आपको पता है कि फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ये एक्सेप्शन है। कौन? सैक्रोमाइसेस जिसे ईस्ट कहते हैं, ये यूनिसेलुलर फंगस है। स्यूडोमाइसिलियम, स्यूडोमाइसिलियम यहाँ होता है, और ये एस्कोमाइसिटीज, क्लास एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, क्लास एस्कोमाइसिटीज का ये मेंबर है।
क्लास एस्कोमाइसिटीज का ये मेंबर है। तो पक्सीनिया, फाइटोप्थोरा, राइजोपस और ये सैक्रोमाइसिस। तो जवाब हो गया क्या? सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस जवाब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेकर ईस्ट और ब्रीवर ईस्ट, मतलब ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, बेकर ईस्ट, ब्रीवर ईस्ट दोनों इसको कहा जाता है कि ये बेकर ईस्ट भी होता है, ये ब्रीवर ईस्ट भी होता है। बेकर ईस्ट एंड ब्रीवर ईस्ट, ये दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, लायर्स विग। ये देखिए नया सवाल आपको मिलेगा, हो सकता है आप लगा ले जाएं। ये देखिए आया क्या, लायर्स विग, अ नेम इज गिवन टू फंगस। किस फंगन को, फंगस को लायर्स विग कहते हैं? अमेनिटा, कोप्रिनस, फैलस, क्लेवेसिया। लायर्स विग किसको कहते हैं? मैं जवाब आपका देखूंगा, इसका जवाब मैं देखूंगा। ये नया सवाल है लेकिन आप देखिए, जवाब मैं देखूंगा किसके जवाब सही आ रहे हैं। ये नया सवाल है, ये नया सवाल है। चलिए तो ये देखिए थोड़ा सा भ्रम हो गया, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी भी बता रहे हैं, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं। ये थोड़ा सा भ्रम है, तो ये मैं बता दूं इसका बी सही है। ये कोप्रिनस को कहते हैं लायर्स विग, एक फंगस है, लायर्स विग कहते हैं इसको, लायर्स विग कहते हैं, एक फंगस है लायर्स विग। तो बी ये सही हो जाएगा। ये नया सवाल अगर आपको आ रहा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो ये सवाल को स्टार लगा लीजिएगा, इस सवाल को स्टार लगा लीजिएगा बेटा, अगर नहीं आ रहा है तो, और आ रहा है तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। अगर आपको आ रहा है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन नहीं आ रहा तो ये जरूर सही करिए। देखिए मोहित जी कह रहे मेरा सही है सर। चलिए कई, निकिता गुप्ता, चलिए लायर्स, कई लोगों का सही था, बहुत बढ़िया, मुझे बड़ी हार्दिक प्रसन्नता है, मेरे बच्चे सही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा एक करेक्टली मैच्ड है, करेक्टली मैच्ड है, देखिए सही मैच्ड कौन है? ये रिंग वर्म फंगस, ये टाइफाइड वायरस, ये हर्पीस बैक्टीरिया, नन ऑफ दीज। कौन सा एक सही सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड है, सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेलित है? चलिए अभी लाइक में उसमें बहुत अंतर है बेटा, 31 लोग अभी लाइक नहीं किए हैं, 154 लोग अभी जुड़े हुए हैं, 123 ही लाइक है। तो प्लीज जो बाद में जुड़े हुए हैं बेटा, इतना तो मेरे लिए कर ही दीजिए, इतना कर लीजिए सुमन सर के लिए, दुनिया भर की प्रैक्टिस करवा दूंगा आपके लिए, इतना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये सही है। देखिए ये पहला वाला सही है कि रिंग वर्म जो होता है वो फंगस से होता है, ये टाइफाइड देखिए नहीं होगा, बैक्टीरिया से होता है, हर्पीस देखिए वायरस से होता है, बैक्टीरिया लिखा है गलत है, तो ये गलत हो गया आपका। तो आपको पता है कि तीन फंगस हैं जो रिंग वर्म काज करते हैं, दाद खाज, एक का नाम है ट्राइकोफाइटान स्पेसीज, एक का नाम एपिडर्मोफाइटान स्पेसीज, एक का नाम माइक्रोस्पोरम स्पेसीज, माइक्रोस्पोरम स्पेसीज, तो ये हैं। चलिए तो ये चीजें हैं, तो आपने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? जिबरलिंस वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड, जिबरलिंस देखिए एक वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन फंगल जीनस। जो जिबरलिंस है आपको पता है एक पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको आप प्लांट हार्मोन भी कहते हैं, जिसको आप प्लांट हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। वो किससे, किस फंगस से डिस्कवर किया गया? म्यूकर से, कि राइजोपस, कि एगेरिकस, कि फ्यूजेरियम? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के जवाब, सबके जवाब सही आ रहे हैं, तो बहुत सही है आपका। चाहे वो जिब्रेला फ्यूजिकुराई हो, चाहे फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी हो, दोनों सही है। बैकनी डिजीज या फुलिस सीडलिंग डिजीज, बैकनी डिजीज या फुलिस सीडलिंग डिजीज,
तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूजेरियम मैक्सिमम लोग ने जवाब सही दिया था, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल जिसे RFM कहते हैं, इन फंजाई इज, फंजाई में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन की, स्टार्च की, सुक्रोज की, माल्टोज। क्वेश्चन नंबर नाइन जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। देखिए ये जवाब ए आ रहे हैं कई लोगों के, जवाब ए कई लोगों के आ रहे हैं, तो देखा जाए ये बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ये ग्लाइकोजन, ये बिल्कुल सही जवाब है, ये बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब ये आ रहा है। देखिए ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल, फंजाई का रिजर्व फूड मटेरियल पूछ रहा है क्या है, तो ये बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। माइसिलियम ऑफ म्यूकरीज, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये संभावना है कि आपकी गलतियां हो जाएं, माने बहुत ही शानदार सवाल है, और देखिएगा उसे आप तो सारे सवाल सही कर जाते हैं, है ना, जो वो आप तो जो है नोट कर, बिल्कुल। तो ये बहुत ही शानदार सवाल है, माइसिलियम ऑफ म्यूकर इज, म्यूकर का माइसिलियम पूछ रहा कैसा है, सेप्टेट एंड यूनिसेलुलर, सेप्टेट एंड मल्टीसेलुलर, ए सेप्टेट एंड यूनिन्यूक्लिएट, सिनोसेटिक। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार है ये, देखिए लेकिन उससे ज्यादा शानदार जवाब आपके हैं, किसी का गलत ही नहीं हो रहा, मजा आ रहा प्रैक्टिस करवाने में, किसी का गलत ही नहीं हो रहा है ना, कितना शानदार है ये, किसी का गलत ही नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए आपका सिनोसिटिक हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है, ये जवाब इसका बिल्कुल सही होता है, कैसा होता है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लिएट होता है, एसेप्टेट एंड सिनो, लेकिन यहां कुछ ऐसा दिया नहीं है, यहां एसेप्टेट एंड यूनिन्यूक्लिएट गलती दे दिया गलत, सिनोसिटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इसका जवाब क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी चला जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो गलत बिल्कुल फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है ना, ये फंसा देने वाला था, बहुत लोगों का गलत हुआ होगा, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब विच लाइकेन इज कॉमनली नोन एज उल्फ मास, पहले तो याद रखिएगा ये मास लगा ये लाइकेन, तो ये फॉल्स मास होगा, क्योंकि मास MOSS मास केवल वही होता है जो ब्रायोफाइटा के क्लास ब्रायोप्सिडा में जन्म लेता है, यानी ब्रायोप्सिडा का मेंबर ही ट्रू मास होता है। तो ये चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या है ये, विच लाइकेन इज कॉमनली नोन एज उल्फ मास, सिट्रेरिया, जैंथोरिया, लिथेरिया, विल्पिना, अल्लोवेरिया, पल्मोनेरिया। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए, ये सबके जवाब सही आ रहे हैं, ये सबके जवाब सही आ रहे हैं, तो ये जवाब क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, लिथेरिया वल्पिना, ये आपका सबके सही है, 11 का सी। चलिए हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच टोरुला कंडीशन इज फाउंड, टोरुला कंडीशन किसमें पाई जाती है, टोरुला कंडीशन पूछा जा रहा है, किसमें पाई जाती है टोरुला कंडीशन,
किसमें पाई जाती है? पहला स्पायरोगायरा, दूसरा म्यूकर, तीसरा रिक्सिया, चौथा यूलोथ्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 12, टोरुला कंडीशन किसमें पाई जाती है? ये देखिए सबके जवाब सही आ रहे हैं। किसमें पाई जाएगी? म्यूकर में। ये म्यूकर में पाई जाती है टोरुला कंडीशन। कहां पाई जाती है? ये म्यूकर में पाई जाती है। चलिए, म्यूकर में पाई जाती है तो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13, ए ग्रुप ऑफ फंजाई विथ सेप्टेट माइसिलियम इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइदर अननोन आर एप्स आर लैकिंग इज क्लासिफाइड अंडर। मतलब कह रहा है कि एक फंजाई का क्लास का नाम बताइए जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो अननोन है या एब्सेंट है और उसका माइसिलियम सेप्टेट है। सेप्टेट है, सेप्टेट और ब्रांच कह लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? फाइकोमाइसिटीज, जिट्रोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। तो 13 का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब है, ड्यूट्रोमाइसिटीज। ये ड्यूट्रोमाइसिटीज बिल्कुल सही जवाब है, ड्यूट्रोमाइसिटीज ये बिल्कुल सही जवाब है, ड्यूट्रोमाइसिटीज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस यहाँ क्वेश्चन नंबर 14, फाइटोएलेक्जिन्स आर टॉक्सिन्स लाइक एंटी फंगल सबस्टेंसेस प्रोड्यूस बाय द होस्ट एज ए डिफेंसिव मेजर अगेंस्ट इन्फेक्शन आर जनरली। मतलब ये पूछ रहा कि जो फाइटो एलेक्जीन्स है वो क्या है? वो प्रोटीन्स है कि लिपिड्स है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स है कि फिनालिक कंपाउंड्स है? क्वेश्चन नंबर 14, वो क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है, वो क्या है? तो ये जवाब दीजिए क्या हो जाएगा आपका। चलिए तो ये बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं 14 के, ये क्या हो जाएगा? ये फिनालिक कंपाउंड्स हैं, फिनालिक कंपाउंड्स हैं ये। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो गया? डी फिनालिक कंपाउंड्स। क्या हो गए ये? फिनालिक कंपाउंड्स हो गए, फिनालिक कंपाउंड्स, फिनालिक कंपाउंड्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हेट्रोथैलिज्म। मतलब किसमें हेट्रोथैलिज्म पाया जाता है? ये राइजोपस की, साइकस की, बैक्टीरियम की, रिसिनस। 15, हेट्रोथैलिज्म किसमें पाया जाता है ये पूछ रहा है, हेट्रोथैलिज्म किसमें पाया जाता है, हेट्रोथैलिज्म। देखिए जवाब आ रहा है और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, क्या हो जाएगा? ए राइजोपस, राइजोपस हेट्रोथैलिज्म। क्या हो गया? राइजोपस बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, इसको आप कह सकते हैं कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, या इसको आप कह सकते हैं स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट। तो ये काज होता किससे? आपको पता पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई से, पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई से काज होता है। तो आपको पता है वो क्या है? एक फंगस है, तो ये फंजाई हो जाएगा, पहला वाला जवाब सही हो जाएगा। पक्सिनिया, पक्सिनिया को रस फंगस कहते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है वो, बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। चलिए,
हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो क्वेश्चन 17 है, देखिए, फंगस ऑब्लिक लाइकेन विच ग्रो ऑन वुड। फंगस या लाइकेन जो लकड़ी पर ग्रो करता है, वुड पर ग्रो करता है, उसको क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजी में? टेरिकोलस, सेक्सिकोलस, लिग्नोकोलस की कार्टिकोलस। फंगस या लाइकेन दोनों की बात है, फंगस लाइकेन। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा इसका। चलिए तो जवाब देखिए आ रहा है क्या, ये सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ये बट रहे हैं। ये जवाब लिग्नोकोलस हो जाएगा, ये लिग्नोकोलस। ये जरा ध्यान देंगे, कार्टिकोलस बार्क हो जाएगा बेटा, बार्क। लिग्नोकोलस याद रखिएगा, लिग्नोकोलस। जो डी है ना बेटा, डी बार्क पर गौर करते हैं, बार्क वुड का पार्ट नहीं होता। वुड मतलब सेकेंडरी जाइलम, लकड़ी मतलब क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। अब बार्क का मतलब होता है ऑल द टिश्यूज लाइंग आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, कॉन्स्टिट्यूट बार्क, है ना। तो ये सी वाला सही जवाब है। जिनके गलत होंगे जरा ध्यान दीजिएगा, जिनके गलत हो गए होंगे जरा ध्यान देंगे बेटा, जरा ध्यान देंगे, जिनके भी गलत हो गए होंगे इस चीज को जरा ध्यान देंगे कि उनके गलत न होने पाए, जिसके भी गलत हो गए होंगे। अब जो गलत हो गया उसे हो गया, अब गलत न होने पाए इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो सी वाला सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। हेट्रोट्रॉफिक फंजाई कैन लीव एज, हेट्रोट्रॉफिक फंजाई किस कैन लीव एज, कैसे लीव करेगा? सेप्रोफाइट्स, सिम्बियंट्स, पैरासाइट्स, ऑल ऑफ दीज, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। चलिए अब 18 का जवाब दीजिए, जो समझ चीजें निकल गई उसको छोड़िए, 18 का जवाब दीजिए, 18 का जवाब दीजिए। चलिए तो क्या हो गया, ये आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। हेट्रोट्रॉपिक में तीनों चीजें आ जाती, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो जवाब क्या आ गया, डी आपका जवाब आ गया। जवाब क्या है आपका, डी जवाब आ गया, जवाब क्या है, डी जवाब आ गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका माइकोराइजा हेल्प्स इन, माइकोराइजा किसमें मदद करता है? माइकोराइजा, माइकोराइजा जानते हैं ना, ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट, इसको क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं, माइकोराइजा। तो ये क्या करेगा माइकोराइजा, हेल्प्स इन न्यूट्रिशन अपटेकिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग, डिजीज रेजिस्टेंस, डिजीज प्रिवेंशन। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा सवाल है, और अच्छा जवाब, वहां शुक्ला जी फंस गए हैं, केवल शुक्ला जी ने बी लगा दिया जबकि ए सही है। ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए न्यूट्रिशन अपटेकिंग, ये ए वाला सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब है, न्यूट्रिशन अपटेकिंग, ये आपका सही जवाब है, ठीक है, न्यूट्रिशन अपटेकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। ये देखिए बैकनी डिजीज इज कॉज्ड बाई, ये बैकनी डिजीज देखिए, इसको फुली सीडलिंग डिजीज भी कहते हैं, धान में होती है, लगती है राइस में, है ना। ये किसके द्वारा होगी, फंगस के द्वारा कि एल्गा के द्वारा कि बैक्टीरियम के द्वारा कि वायरस के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। चलिए बाई मिस्टेक हो गया, हाँ मैं समझा, नहीं तो ऐसे सवाल कैसे आपके गलत हो सकते हैं शुक्ला जी। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल, तो ये फंगस हो जाएगा। अभी अभी बात की गई थी आपसे कि जिब्रेला फ्यूजीपुराई फंगस है, जिसका दूसरा नाम फ्यूजेरियम मोली फॉर्मी भी है, फ्यूजेरियम मोली फॉर्मी, तो ए वाला सही हो जाएगा। इसकी इसका दूसरा नाम
फुलिश सीडलिंग डिजीज है, फुलिश सीडलिंग डिजीज। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द एथलीट्स फूड डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में एक डिजीज होती है एथलीट फूड्स, कह रही वो डिजीज किससे काज होती है, बैक्टीरिया से कि फंजाई से कि वायरसेस के नराबीज। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए। 21 एथलीट फूड्स, देखिए ए और बी दोनों में बंट रहे हैं लोग, कुछ लोग एक तरफ कुछ लोग बी के तरफ जा रहे हैं, ज्यादातर बी के तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा फंजाई। टीनिया पेडिस एक फंगस के द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा होता है, एथलीट फूड्स। तो क्या हो गया, बी आपका सही हो गया, बी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 22, एज ए फंगस कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल ऑन टू होस्ट। अगर कोई फंगस अपनी लाइफ साइकिल टू होस्ट पर कंप्लीट करता है, इट इज टर्म एज क्या कहेंगे, हेट्रोसियस, ऑटोसियस, हेट्रोथैलिक और मोनोथैलिक। यह है 22, अच्छा सवाल है ये 22, अच्छा क्वेश्चन है 22। तो क्या हो जाएगा ये 22 का, ये जवाब दीजिए। तो ये 22 का क्या हो जाएगा, ये सबके जवाब ए आ रहे हैं और सही आ रहे हैं और 100% लिख के आ रहे हैं कि सर ए 100% होगा, तो ये आपका सही है। 22 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल सही जवाब आया 22 का, ये हेट्रोसियस। आगे देखिए क्या है आपका 23, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। ये देखिए याद रखिएगा, कवर्ड स्मट की बात कर रहा है, एक लूज स्मट होता है एक कवर्ड स्मट। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली इज कॉज्ड बाय, तो कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली किससे होगा, एस्टिलागो ओर्डाइस होगा कि टिलेसिया कैरिस से होगा कि एस्टिलागो नूडास होगा कि क्लेटोट्राइकम फैलकेटम से होगा। चलिए जवाब दीजिए किससे होगा। अभी भी कुछ 20-25 भाई लोग हमारे ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, केवल 20-25 लोग ऐसे हैं, तो प्लीज़ वो 20-25 लोग भी लाइक कर दें। 20-25 लोग ऐसे हैं, 25-30 लोग जो लाइक नहीं किए हैं, तो अगर मेरी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच रही है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें बेटा जी। चलिए तो क्या हो जाएगा ये आपका 23 का जवाब दीजिए। जवाब क्या आ रहा है आपका, ए आ रहा है सबका, सबका जवाब ए आ रहा है और ये बिल्कुल सही है, अस्टलागो होर्डाई, ये 23 का ए, 23 का ए, 23 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड टू प्लांट बाई फंजाई प्रेजेंट इन माइकोराइजा। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, जो ये निम्नलिखित इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड टू प्लांट बाई फंजाई, मतलब इनमें से कौन सा फंजाई के द्वारा प्लांट को प्रोवाइड करता है जो प्रेजेंट इन माइकोराइजा। जो फंजाई कहां प्रेजेंट होती है, माइकोराइजा में। फास्फेट है कि नाइट्रेट है कि कार्बोनेट है कि क्लोराइड है, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा ये, ये देखिए सबके जवाब सही आ रहे हैं फास्फेट, सबके जवाब सही आ रहे हैं क्या, फास्फेट जब आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सबके जवाब सही हैं, ठीक है, सबके जवाब सही हैं, हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज, मतलब इसमें दो दो हैं, दो दो एग्जाम्पल हैं, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं ये आपको बताना है। जैसे आपका हो गया क्या, पफ बाल्स एंड क्लेविसेप्स, पेजाइजा एंड आपका स्टिंक हॉर्न्स, ये मॉर्चेला एंड मशरूम,
बर्ड नेस्ट फंजाई एंड पफ बाल्स, मतलब दोनों बेसिडियोमाइसिटीज के हों, दोनों बेसिडियोमाइसिटीज के हों, ये आपको बताना है कि दोनों बेसिडियोमाइसिटीज के हों। तो ये देखिए जवाब आ रहे हैं ज्यादातर डी, कुछ लोग सी में भी फंस गए हैं लेकिन वो बहुत ही कम उनकी संख्या है सी की। नहीं, अब तो बराबर होने जा रही है सी और डी की। जवाब होगा डी, बर्ड नेस्ट फंजाई एंड पफ बाल्स, ये डी आपका जवाब है। माइनर छोटी छोटी चीजें हैं, अभी एग्जाम की डेट आ जाएगी तो परेशान हो जाएंगे, तो कम से कम हमारे बच्चे तो ना परेशान हो जो लगातार पढ़ रहे हैं, जो लगातार हमसे पढ़ रहे हैं। अगर उनसे एक महीना में एग्जाम करवा रहे हो तब भी उसके लिए प्रिपेयर रहें, मतलब हमेशा एग्जाम मोड पर रहें कि एग्जाम कभी भी हो जाएगा हम देने के लिए तैयार हैं। आप अपने मन में रखिए कि एग्जाम अगर 20 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, तब भी हम देने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। इतनी तैयारी आप रखिए, इतनी तैयारी रखिए आप कि कभी भी एग्जाम हो जाएगा हम एग्जाम दे देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लाइम मोल्ड, इनमें कौन एक स्लाइम मोल्ड है, इनमें कौन सा एक स्लाइम मोल्ड है, फाइसेरम, थायोबैसिलस, एनाबीना, राइजोपस, कौन स्लाइम मोल्ड है आपको बताना, इनमें से कौन सा एक स्लाइम मोल्ड है। चलिए स्लाइम मोल्ड कौन सा है, तो ये देखिए आपका जवाब आ गया क्या। चलिए तो इसमें जवाब आ जाएगा ए, फाइसेरम, मतलब ऑलवेज एग्जाम मोड पर। देखिए एग्जाम तो होना ही है ना, आपके फरवरी मार्च में चुनाव होंगे तो एग्जाम तो होना ही है, एग्जाम बहुत देर नहीं होगा, कभी भी एग्जाम हो जाएगा, तो आप उस मोड पर रहिए। ये नहीं कह रहे हम डर रहे हैं कि कब, अरे भैया जब मन कि तब एग्जाम, इतनी दिनों से आप पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, जब एग्जाम होगा दे दीजिएगा, है ना, जब एग्जाम हो दे दीजिए, हमेशा तैयार रहिए, हमेशा आप तैयार रहिए। फाइसेरम और स्टेमोनाइटिस, बिल्कुल। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 27, ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज, मतलब इनमें से किससे सिट्रिक एसिड पाई जाती है, या सिट्रिक एसिड का गुड प्रोड्यूसर, अच्छा प्रोड्यूसर कौन है, स्यूडोमोनास की, क्लॉस्ट्रिडियम की, सैक्रोमाइसेस की, एस्परजिलस। 27 का जवाब दीजिए, 27। बीपीएससी का देख लीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए, अभी तो बड़ी लड़ाई वहाँ चल रही है क्या है कैसे है, लेकिन अगर एलिजिबिलिटी है आपके पास तो अप्लाई कर लीजिए। वैसे मंडल जी आप तो झारखंड में ही पा जाएंगे नौकरी, मंडल जी राजेंद्र प्रसाद मंडल जी आप तो झारखंड में पा जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एस्परजिलस हो जाएगा, ये 27 का डी, एस्परजिलस। आप सोनी त्रिवेदी जी के लिए छोड़ दीजिए, मंडल जी सोनी जी बिहार की हैं और कमलेश कुमारी बिहार की हैं, ये लोग जो हैं इनके लिए छोड़िए, चलिए इनके लिए छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, हो गया। चलिए आज 35 है बेटा, 35 अंशुल पचौरी 35 है, 35 क्वेश्चन है बेटा। चलिए ये 27 हो गया। 28 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन्स हेलुसिनोजन्स, इसमें कौन सा जो कंटेन करता है हेलुसिनोजन्स, अस्टिलागो, मार्चेला, स्कुलेंटा, अमेनिटा, मस्केरिया, न्यूरोस्पोरा स्पेसीज, न्यूरोस्पोरा स्पेसीज। चलिए हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, बताइए जवाब दीजिए क्या जवाब दे रहे हैं आप। 28 का सबके जवाब सी आ रहे हैं और ये बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, अमेनिटा मस्केरिया, ये बिल्कुल सही जवाब है, अमेनिटा, अमेनिटा। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2। देखिए क्या करा है, मोस्ट सुटेबल
इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट। SO2 पॉल्यूशन का इंडिकेटर कौन है? मोस्ट सुटेबल की बात कर रहा है ये, मोस्ट सुटेबल की बात कर रहा है ये, ठीक है, मोस्ट सुटेबल की बात कर रहा है। क्या हो जाएगा? देखिए, कोनीफर्स की, एल्गी की, फंजाई की, लाइकेंस, लाइकेंस, सबके जवाब क्या आ रहे हैं? डी आ रहे हैं, सबके जवाब क्या आ रहे हैं? ये डी आ रहे हैं, डी। जानते हैं अगर वो एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर पूछे तब भी आप बता देंगे, SO2 पोल्यूशन का इंडिकेटर पूछे तब भी बता देंगे, केवल पोल्यूशन पूछे तब भी बता देंगे, एनवायरमेंट में पोल्यूशन पूछे तब भी आप बता देंगे। ये सब कौन होगा? लाइकेन होगा। कौन होगा? लाइकेन होगा। ये सब कौन होगा? लाइकेन होगा। चलिए, तो हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखे क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको चूज करना है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, गलत स्टेटमेंट को चूज करना है आपको। चलिए चलिए, गलत स्टेटमेंट को आपको चूज करना है, ठीक है। तो क्या हो गया? देखिए, ये पहला है, न्यूरोस्पोरा इज यूज इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, मतलब आपको ये पहला वाला हो गया। दूसरा देखिए क्या है, मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। एक आ रहा, मोरेल्स और ट्रफल्स जो हैं वो पॉइजनस मशरूम है, मोरेल्स एंड ट्रफल्स। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, और पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। गलत को छांटना है आपको, क्या बताना है? सही को नहीं बताना है। किसको बताना है आपको? गलत को बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो आपको किसको बताना है? गलत को बताना है। तो क्या बता रहे हैं आप गलत? ये गलत बता रहे हैं आप, बी। ये बिल्कुल सही है कि ये मोरेल्स एंड ट्रफल्स इडिबल होते हैं, ये पॉइजनस नहीं है। मोरेल्स एंड ट्रफल्स ये एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं और इडिबल हैं, खाए जाते हैं, वो पॉइजनस नहीं है। तो ये गलत था और गलत ही आपको बताना था। ये क्या था? ये स्टेटमेंट गलत है और कह क्या रहा है? गलत ही बताना है। तो आपका जवाब क्या चला जाएगा? ये बी वाला चला जाएगा, बी वाला जवाब चला जाएगा कि बी आपका सही जवाब है, मोरेल्स एंड ट्रफल्स, मोरेल्स एंड ट्रफल्स। तो मेरी बात को मान लीजिएगा, हमेशा एग्जाम मोड पर रहिए, ऑलवेज जुलाई चल रहा, हमेशा एग्जाम मोड पर रहिए। अब उसमें कोई भी नहीं कह रहे अभी मैं तैयार नहीं हूं, भैया आप कब तैयार होंगे? हमेशा आपके दिमाग में हो कि अगर एक हफ्ते का समय देके एग्जाम करवा लें तब भी हम दे देंगे, तभी हम सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो इस मोड पर हमेशा बने रहिए, ऑलवेज एग्जाम मोड, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, 31, दी इम्परफेक्ट फंजाई। ये देखिए पूछ रहा है इम्परफेक्ट फंजाई, आपको पता है इम्परफेक्ट फंजाई का मतलब ड्यूट्रोमाइसिटीज, क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफेक्ट स्टेज कहा जाता है, केवल वहां ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इम्परफेक्ट स्टेज कहा जाता है, और वहां ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कोनिडिया के द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये क्या है? दी इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर, ये देखिए डिकम्पोजर होते हैं, ऑफ लीटर, लीटर आप जानते हैं, ऑल फ्रेश डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉलन रिसेंटली ऑन द ग्राउंड। जैसे लीफ ताजी गिर के टूट के गिर गई, पेड़ से जमीन गिर गई, वो लीटर है। लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग, ये बहुत अच्छा सवाल है, मिनरल साइकिलिंग बिलोंग्स टू किसका मेंबर है? बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। सबके जवाब सही आ रहे होंगे, सबके जवाब क्या आ रहे हैं? ड्यूट्रोमाइसिटीज ही आ रहे हैं, ये ड्यूट्रोमाइसिटीज ही आ रहे हैं सबके जवाब। तो 31 का क्या हो गया? ये आपका डी हो गया, 31 का क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई।
मतलब फंजाई के लिए इसमें कौन सा गलत है, रॉन्ग है, गलत रॉन्ग कौन सा फंजाई के लिए? दे आर यूकैरियोटिक, ऑल फंजाई पजेज या प्योरली सेलुलोजिक सेल वाल, ये देखिए कौन सा गलत है, सेलुलोजिक सेल वाल। दे आर हेटरोट्रॉफिक, और देखिए दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, और देखिए दे आर यूकैरियोटिक। इसमें एक गलत है, इसमें तीन सही हैं, और आपको गलत वाला ही बताना है कि कौन सा इसमें गलत है, ये आपको बताना है। इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए ये सबके जवाब आ रहे हैं क्या, सबके जवाब बी आ रहे हैं, अब बिल्कुल सही है। आल फंजाई पजेज प्योरली सेलुलोजिक सेलवाल, ये गलत है, क्योंकि यहां सेलवाल होती है जो काइटिन की, काइटिन। अगर इंसर्ट ही देखेंगे तो उसमें लिखा कि जो फंजाई की सेलवाल है वो मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, तो ज्यादातर केसेस में काइटिन ही है, तो काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया 32, क्वेश्चन नंबर 32। अब आगे देखिए क्या है नेक्स्ट, इसमें आपका 33, विथ रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्या कह रहा फंगल और क्या कह रहा सेक्सुअल साइकिल, मतलब ये बात कर रहा फंगल सेक्सुअल साइकिल, चूज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब फंगल सेक्सुअल साइकिल में जो इवेंट्स हैं उनका करेक्ट आपको चूज करना कि सिक्वेंस क्या है, करेक्ट सिक्वेंस, पहले क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा, पहले में दिया देखिए, अच्छा सवाल है ये, एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, थोड़ा देखिएगा, अच्छा सवाल है ये, क्या हो जाएगा, कैरियोगैमी प्लाज्मोगैनी एंड मियोसिस, मियोसिस प्लाज्मोगैनी एंड कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी एंड मियोसिस, मियोसिस कैरियोगैमी एंड प्लाज्मोगैमी। चलिए जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते होंगे उनको जरूर पता होगा, और ये सबके जवाब लगभग सही भी आ रहे हैं, सबके जवाब अब तक जितने लोग दिए हैं वो जवाब सही हैं, मतलब एनसीईआरटी पकड़ है, यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो EMRS है उसके लिए भी तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, 236 सीटें हैं उसमें, 98 सीटें UR हैं, अनरिजर्व हैं, शानदार है वो पोस्ट, और जरूर ध्यान दीजिएगा, मेरे बातों को जरूर गांठ बांध दीजिएगा कि इस एग्जाम को हमें देना है। तो ये हो जाएगा सी, प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी एंड मियोसिस, ये याद रखिएगा। तो क्या हो गया ये आपका पी हो गया, फिर के हो गया, फिर एम हो गया, पी के एम, याद रखिएगा पी के एम हो गया, तो 33 पी के एम, पी के एम याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल। आगे देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, माइकोबियंट एंड फाइकोबियंट, बहुत आसान सा सवाल, माइकोबियंट एंड फाइकोबियंट आर फाउंड इन, ये देखिए इन है, फाउंड इन किसमें पाया जाता है, माइकोबियंट एंड फाइकोबियंट फाउंड इन माइकोराइजा की रूट में, कि लाइकेंस में, कि बीजीए में, 34, चलिए 34, तो 34 का जवाब क्या हो जाएगा, ये लाइकेंस हो जाएगा, ये लाइकेंस हो जाएगा, ठीक है, ये लाइकेंस सवाल हो जाएगा इसका जवाब। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आज का आखिरी सवाल है, ये आज का आखिरी सवाल है 35, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये क्या है, एसोसिएशन है, किसके बीच में, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड, तो हायर प्लांट और फंजाई के बीच में जो एसोसिएशन है उसको क्या कहते हैं, लाइकेन की फर्न, ये फर्न है, FERN फर्न है, ये माइकोराइजा, ये बीजीए, 35 क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, तो
35 का जवाब क्या आ रहा? सी आ रहा, माइकोराइजा। और ये बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये 35 क्वेश्चन थे, कल भी हम 35 क्वेश्चन लेके आएंगे, वो भी फंजाई और लाइकेन का रहेगा। कल भी पब्लिक लेके आएंगे 35 क्वेश्चन, वो भी फंजाई और लाइकेन का रहेगा, और वो आपका 5 बजे से रहेगा, पब्लिक ही रहेगा, 5 बजे रहेगा, और फंजाई और लाइकेन का रहेगा दूसरा सेट प्रश्नों की फुहार, तो ये कल भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए, जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक फिर से याद ताज़ा हो गई क्या, जो प्रश्नों की फुहार की शुरुआत हो गई, और एक लंबे समय के बाद मेरे थंबनेल में लिखा था TGT, PGT, LT और GIC, एक लंबे समय के बाद। मोहित जी का देखिए 35 में 35, ये हमेशा एग्जाम मोड पर हैं, मोहित चतुर्वेदी जी ये हमेशा एग्जाम मोड पर हैं, और सबको मैं एग्जाम मोड पर लाऊंगा। कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे कितने लोगों के 35 में 35 चाहिए, कितने के 34 चाहिए, कमेंट जरूर करिएगा बेटा, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। जैसे वीडियो अभी अपलोड होगा आप उस पर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि हमारे कितने सही हुए। कई लोगों ने अपना बताया 35 में 35, 34 है 35 में 34, तो ये जरूर करें। तो कल भी फंजाई और लाइकेन पर दूसरा एक रहेगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 4 से 5 आपको पढ़ाऊंगा ब्रायोफाइटा, 5 से 6 प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, सुबह 10 से 11 जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो ये कल का सब शेड्यूल है और आप याद रखेंगे। चलिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।